जब मैं बरसाना आया, ये सुंदर जगह देख मेरी सांसें थम गई। एक आदमी ने मुझे देखकर कहा, आपको तो भगवान ने बहुत दूर से बुलाया है, मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये थे रमेश बाबा। जब भी वो हारमोनियम बजाकर सुंदर गीत गाते, गली के बच्चे उनके पास आकर फुदक कर नाचने और गाने लगते। उसमें से ही एक लड़के ने मेरा हाथ पकड़कर बाजू में ले आया और कान्हा की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये मेरे भगवान है। मुझे दूसरे व्यक्ति ने बताया, रमेश बाबा अलाहाबाद के रहवासी थे। वे संस्कृत और फिलोसॉफी में निष्णात थे। उनकी सुरीली आवाज ने उन्हें 12 साल की उम्र में ही ऑल इंडिया म्यूजिक कंपटीशन का विजेता बनाया था। ये सब छोड़ छाड़ कर वो साधु बनने के लिए निकल गए, पर घर वाले उन्हें ढूंढकर फिर से वापस ले आए। बाबा की भाषण शैली कमाल की थी, उनके सद्विचार सुनने के लिए लोग भीड़ लगाते। पर 16 की उम्र में वो सब मोह छोड़ कर वो वृंदावन आए। गोवर्धन पर्वत पर पहली बार बाबा जी की मुलाकात उनके गुरु से हुई। हिंस पशु पक्षियों से भरे इस जंगल में, जहां लोगों का वास नहीं, खाने की सुविधा नहीं, बाबा ने 21 साल तक श्री राधा का नाम लेकर ध्यान किया। वो वृंदावन के महान साधुओं में से एक बन गए थे। पर वहां के कुछ गुंडे मवालियों को रमेश बाबा की ये बढ़ती लोकप्रियता रास नहीं आई। एक रात उन्होंने बाबा को घेर लिया और जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने उनसे सीधे कहा, मैं भगवान का नाम लेता हूँ, अगर उन्हें ये पसंद है, इससे उन्हें आनंद आ रहा है, तो और कोई इसके बारे में क्या सोचता है, इसकी मुझे परवाह नहीं, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। ये सुन के तो मैं हैरान रह गया। ऐसी जानलेवा जिद तो किसी महान शक्ति में अपार विश्वास के बिना आ ही नहीं सकती। हे ईश्वर, मुझ में कब ऐसा गुण आएगा। एक दिन मैं रमेश बाबा के साथ बैठकर ब्रज रोटियां खा रहा था, तब उन्होंने मुझसे पूछा, आपका बचपन कहाँ बीता है। मैंने कहा, शिकागो के पास एक छोटे से गांव में। वो निवाला चबाते चबाते रुक गए और उनकी आंखें नम हो गई। कृष्णदास, वहां तो गोमाताओं का कत्ल किया जाता है ना। मैं शर्म से पानी हो गया। ये बात बाबा को कैसे पता, वो तो इस पर्वत पर अकेले रहते हैं। इन्होंने तो पिछले 20 सालों में अखबार भी नहीं पढ़ा होगा। हाँ, पर बात तो सच थी। शिकागो में दुनिया का सबसे बड़ा कत्ल खाना था और जो मैंने देखा था। बाबा बरसाना में रहते हुए भी हिमालयन योगी की तरह जीवन बिताते। मुझे लगा इसीलिए उन पर राधा कृष्ण की अपार कृपा है। अब मुझे भी गुरु की आवश्यकता लगने लगी, पर मैं जानता था सही समय पर वो मुझे जरूर मिलेंगे। वहीं के एक आंगन में महान संत रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की समाधि थी। इन दो युवा सुंदर पुरुषों ने एक समय बंगाल के राजा के प्रधानमंत्री के तौर पर शासन भी किया था, पर जल्द ही ये संपत्ति सुख सुविधाएं छोड़ प्रभु चैतन्य के आकर्षण से वो वृंदावन चले आए। भटकते साधुओं जैसे जीवन व्यतीत कर शास्त्रों का ज्ञान लोगों तक सरल भाषा में पहुंचाया। इनसे मिली हुई सीख से अगले 5 शतकों तक शिष्यों ने प्रेरणा ली। जब मैंने उनकी समाधि के आगे घुटने टेके, मुझे अचानक से एक शक्तिशाली अदृश्य ऊर्जा के छूने का भास हुआ, जिससे मेरी त्वचा पर गुदगुदी महसूस हुई, पैर कांप गए और पूरा शरीर हल्का पड़ गया। मुझे पक्का यकीन हुआ, यहाँ कोई अलग ऊर्जा काम कर रही है। तब मुझे याद आया, संतों के समाधि स्थल पर उनकी पवित्र आभा प्रभावी रूप से महसूस की जा सकती है। उसी वक्त मैंने तय कर लिया, मैं भी गोस्वामी संतों जैसे भक्ति मार्ग ही अपनाऊंगा और कृष्ण अपना प्रेम मुझ पर भी जरूर बरसाएंगे। अब मुझे भारत आकर काफी समय हो गया था। वीजा एक्सटेंशन के लिए वृंदावन आश्रम के पते पर पत्र भी भेजे गए थे, पर वो किसी आश्रमवासी के हाथ से गुम हो गए, जिसकी मुझे भनक भी नहीं थी। इस कारण वो इमिग्रेशन एजेंट मुझ पर गुस्से से लाल हो गया। एक दिन मंदिर के पुजारी ने मुझे देखकर कहा, अरे इतने दिन से तुम कहाँ हो, वो सरकारी अफसर तुम्हें पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रहा है। मैं उसे जानता हूँ, बड़ा क्रूर आदमी है, बच के रहना उससे। और ठीक ऐसा ही बाकी डजन भर ब्रजवासियों ने कहा। पर मेरे एक पहचान वाले मित्र थे, उन्होंने अपने संपर्क इस्तेमाल करके मुझे ये मामला सौम्य करने का आश्वासन दिया। जब हम दोनों दिल्ली जाने के लिए टिकट खरीद रहे थे, जोर से एक आवाज आई, गिरफ्तार कर लो उसे। आखिर उस सरकारी अफसर ने मुझे ढूंढ ही लिया और दीवार पर पटक कर बोला, तुमने मुझे चुनौती दी थी, लो आ गए ना मेरे चंगुल में। मेरे मित्र को भी बाजू में हटाकर धमकी दी गई, अगर इस मामले में वो दखल देगा तो उसे भी गिरफ्तार कर दिया जाएगा। भीड़ के सामने मुझे पकड़कर जबरदस्ती मथुरा की बस में बिठाया गया। उस अफसर ने दोनों हवलदारों को दूर बैठने के लिए कहा और मेरी तरफ देखकर बोले, इसे तो मैं अकेले ही संभालूंगा, भूखा मारूंगा, कोड़े भी लगवाऊंगा, ऐसा परेशान करूंगा कि इसके पैदा होने पर इसे अफसोस होगा। हे भगवान, ये इंसान सच में पागल तो नहीं, अब मैं क्या करूं। बस आंखें बंद की और भगवान का नाम लेने लगा। कुछ देर बाद बस में बैठे दो किसानों में झगड़ा शुरू हुआ। अब ये अफसर कैसे चुप रहता, अपनी ताकत दिखाने के लिए वो भी उसमें कूद गया और बस ड्राइवर को मेरे ऊपर नजर रखने के लिए कहा। तब मैंने सोचा, यही सही वक्त है, भाग जाता हूँ, और मैं ड्राइवर को देख चिल्लाने लगा, पानी पानी पानी, जिसका मतलब था मुझे पेशाब आया है। उसने मुझे इशारे से अपनी जगह चुपचाप बैठने को कहा, पर मैं अब नहीं रुकने वाला था। मैंने देखा उसने जूते नहीं पहने थे। मैंने उसके बाजू में बैठ पेशाब करने का ढोंग रचाया। उसने जल्दबाजी में गाड़ी रोकी और
और चिल्लाकर कहा, जाओ बाहर जाके करो। भगवान कसम, तब मैं यहाँ से ऐसे दुम दबा के भाग निकला, अब चाहे सांप डसे या गड्ढे में गिरूं, परवाह नहीं। रोड के झाड़ियों से जिधर रास्ता दिखे उधर निकल पड़ा। उस अफसर ने मुझे भागते हुए देखा और गुस्से से फूट गया। उसने मेरा पीछा करने की भी कोशिश की, पर मैं तो अंधेरे में गुम हो गया और भागते हुए अपने मित्र के पास पहुंचा। उन्होंने मुझसे सवाल किया, तुम भाग कैसे निकले? मैंने कहा, बस कृष्ण की कृपा। अब वृंदावन में छुपते छुपाते घूमने की, एक मुजरिम की तरह रहने की नौबत मुझ पर आई। मैंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरा मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ और अपने अवैध वीजा के साथ मैं यहाँ रह भी तो नहीं सकता। कृपा करके मेरी मदद कीजिए, अब सब आपके हाथ में है। अगली सुबह जब अंधेरा पूरी तरीके से हटा नहीं था, मैं एक रस्ते से जा रहा था और एक नई मुसीबत ने दस्तक दी। किसी जानवर ने मेरे पैर पर काट दिया। राधा वल्लभ मंदिर के पुजारियों ने भागते हुए आकर मेरा दर्द कम करने में सहायता की। उस पीड़ा में करहाते हुए मैंने कहा, अगर अब मुझे वृंदावन में मौत भी आ जाए ना तो कोई परवाह नहीं, पर मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। घनश्याम बाबा ने मेरा खून से लथपथ पैर देखा और डॉक्टर से मिलने की सलाह दी। क्या पता वो कुत्ता हो, वो भी रेबीज से इन्फेक्टेड, तो उससे मेरी जान भी जा सकती है। मैंने ठीक वैसे ही किया। डॉक्टर मेरे पेट में इंजेक्शन देने की कोशिश करने लगा, पर वो जाते नहीं जा रहा था। आखिर में उसने पूरा जोर लगाकर मेरे पेट में वो इंजेक्शन घुसा दी। अब मानो मेरा शरीर दो हिस्सों में कट गया हो, इतना दर्द मुझे हुआ। अब मैंने यहाँ न आने की ठान ली, पर डॉक्टर ने जाते वक्त मुझे सख्ती से कहा, अगले 13 दिनों तक ये इंजेक्शन लेने के लिए तुम्हें यहाँ आना होगा। मैंने कहा, ये संभव नहीं है, मेरे पीछे पुलिस लगी है, मैं पकड़ा जा सकता हूँ। मेरा स्वभाव और शालीनता देख उन्होंने मुझसे कहा, मैं एक गवर्नमेंट डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हें मेडिकल सर्टिफिकेट दूंगा जिसे तुम होम मिनिस्टर के ऑफिस में दिखाकर वैलिड वीजा पा सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें 13 दिनों तक यहाँ आना होगा। और चिंता मत करो, अगली बार बेहतर सुई लगाऊंगा। चलो ये दर्द भी ठीक है। मैं दिल्ली होम मिनिस्टर ऑफिस पहुँचा और वहाँ के अफसर को मेरा सर्टिफिकेट दिखाया जिस पर लिखा था, इस पेशेंट को रेबीज हुआ है, अगर इसका सही इलाज नहीं हुआ तो इसकी जान जा सकती है, इन्हें वैलिड वीजा दिया जाए ताकि इलाज जारी रह सके। वो अफसर एक युवा साधु की मौत का कारण नहीं बनना चाहता था, उसने दया दिखाकर मेरे पासपोर्ट पर स्टैंप लगा दिया। अब जाके कहीं मेरी सांस में सांस आई, मैं फिर से यमुना किनारे शांत सोया हुआ था। तब मुझे सपना आया, मैं अमेरिका में हूँ, टीवी चालू है और लोग आसपास बातें कर रहे हैं। मैं बौखला कर उठा, मैंने वृंदावन क्यों छोड़ दिया, ये कैसे हो सकता है। जब मैंने होश संभाला और खुद को वृंदावन की मिट्टी पर पाया, तब राहत की सांस ली। अगले दिन एक पश्चिमी साधु ने मुझे देखकर आवाज दी, रिचर्ड रिचर्ड तुम यहाँ हो, अरे वाह, श्रीला प्रभुपाद जी भी कल यहाँ आने वाले हैं। थोड़ी देर बाद मुझे याद आया, ये साधु 9 महीने पहले मुझे मुंबई के श्री कृष्ण महोत्सव में मिला था। उसने आगे कहा, क्या तुम जानते हो, श्रीला जी वृंदावन के मूल रहवासी है, अब वो सारे जगत में कृष्ण प्रेम की महिमा फैलाकर वृंदावन वापस आ रहे हैं, तुम्हें देखकर तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। अगले दिन श्रीला जी का स्वागत करने के लिए बड़ी तादाद में ब्रजवासी बस स्टेशन पर जमा हुए। उनके साथ अलग अलग देशों से जैसे यूरोपियन, अमेरिकन, लैटिन, अफ्रीकन, एशियन और इंडियन 40 कृष्ण भक्त साथ आए थे। बूढ़े बच्चे युवा उन्हें देख खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। इस कार्यक्रम में वृंदावन के मेयर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बड़े बड़े पुजारी, प्रसिद्ध धार्मिक चेहरे भी मौजूद थे। आखिर एक महान साधु वृंदावन से खाली जेब जाकर पूरे जगत में भारतीय संस्कृति का मान बढ़ाकर आया था। मैंने जाना कि श्रीला जी का जन्म कलकत्ता में 1896 में हुआ था। उनका असली नाम अभय चरण था। एक दिन छोटे अभय की श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती से मुलाकात हुई, जिन्होंने उनसे कहा, तुम पढ़े लिखे युवक हो, तुम भगवान चैतन्य के सद्मार्ग की सीख दुनिया भर में क्यों नहीं फैलाते। उस समय अभय महात्मा गांधी के स्वतंत्र संग्राम में कार्यकर्ता थे। ये सुनकर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वो इस व्यक्ति को जानते भी नहीं थे और इससे पूर्व कभी मिले ही नहीं थे। तब अभय ने पूछा, और मेरी बात सुनेगा कौन, हम तो खुद ही अंग्रेजों की मुट्ठी में कैद है, कैसे फैलाएंगे संस्कृति की महिमा। भक्ति सिद्धांत जी ने कहा, भले सत्ता हो या गुलामी, सब कुछ क्षणिक है, असली सच्चाई तो ये है कि हम शरीर नहीं आत्मा है जो परमानंद का साक्षात्कार करने के लिए यहाँ आई है। असली समाज कार्य या स्वतंत्रता तो तब होगी जब लोगों में उस वैश्विक ऊर्जा कृष्ण के साथ सच्चे दिल से जुड़ने की कला आएगी। प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत जी को अपना गुरु बनाया। 1954 में वो वृंदावन आए। यहाँ के एक छोटे से कमरे में उन्होंने 6 साल एकांत में गुजारे, संस्कृत पुराणों का अंग्रेजी में भाषांतर किया और 1959 में स्वामी बनने की शपथ ली। उन्हें AC भक्ति वेदांता स्वामी के नाम से सम्मानित किया गया। 69 साल की उम्र में उन्होंने वृंदावन छोड़ विश्व भ्रमण का निर्णय लिया और अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण करने के लिए जेब में $7 लेकर कार्गो शिप से अमेरिका पहुंचे। इस दौरान उन्हें 2 हार्ट अटैक्स भी आकर गए, पर वो तो ठहरे सच्चे कृष्ण भक्त, उन्हें कैसे क्या हो सकता है। पराया देश, कोई पहचानने वाला नहीं, ये अकेला बूढ़ा इंसान जो मिले वो काम करके गरीबी में अपने दिन निकाल रहा था, पर उनकी दिव्यता, ज्ञान और करुणा लोगों तक पहुंचने में देर नहीं लगी।
उन्होंने कई अमेरिकन यूरोपियन युवकों को सही रास्ते पर लाया, इसलिए उन्हें श्रीला प्रभुपाद नाम दिया गया, जिसका अर्थ है जिनके पैरों पर बड़े बड़े विद्वान भी सर झुकाते हैं। कुछ ही वर्षों में उन्होंने एक बड़ी वैश्विक मुहिम शुरू कर दी, जिसकी मदद से वो शिष्यों को अपने घर वृंदावन ले आते। मैंने उल्लास से कहा, अद्भुत, कितनी प्रेरणादायी कहानी है श्रीला जी की। मैंने 19 साल की उम्र में बिना पैसे के घर छोड़ा और घूमने लगा था और श्रीला जी 17 साल की उम्र से घूम रहे हैं। सच में ईश्वर की कृपा और संरक्षण के बिना इतना सब होना कैसे संभव है।